लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना को हराने नवी मुंबई में कोविड वैक्सीनेशन तेज हो गया। आज वाशी के महात्मा फुले भवन में निवर्तमान नगर सेविका दयावती संपत सेवाले द्वारा कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया। महानगर पालिका की मंजूरी और फोर्टिस हॉस्पिटल की मदद से आयोजित इस कैंप में 18 से 44 साल के सैकड़ों नागरिकों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। इसका शुभारंभ बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे और लोक नेता गणेश नाई की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर बीजेपी विधायकों ने कोरोना को रोकने वैक्सीनेशन को सबसे प्रभावी उपाय बताते हुए शिविर आयोजन के लिए दयावती संपत सेवालय की सराहना की। देखिए रिपोर्ट। नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने आजवासी प्रभाग 63 की नगर सेविका दयावती संपत सेवालय की ओर से कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इसका शुभारंभ बेलापुर की बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की उपस्थिति में किया गया। वैक्सीन की किल्लत के बीच बीजेपी पदाधिकारी संपत सेवालय द्वारा आयोजित इस कैंप में 18 से 44 साल के तकरीबन 1000 नागरिकों को कोरोना टीका दी गई। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि आज मनपा की फ्री वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिससे नागरिक कोरोना के भय में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यदि संपत सेवालय की तरह हर लोक प्रतिनिधि आगे आकर वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं तो इससे नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिल सकती है। इतना स्थानिक नगर सेविका दया संपत सेवाले आणि माजी सभापति संपत सेवाले यांच्या माध्यमातून हॉस्पिटल पोर्टिस या लसीकरणाची मोहीम सेक्टर 17 आज राबवण्यात येत आहे। इथल्या लोकांना सुद्धा लस उपलब्ध व्हावी, कारण आपण पाहिलं महानगरपालिकेची लस ही मिळत नाही वेळेवरती आणि लोकांची अडचण उचललेली आहे। आज 3-4 महिने झाले लस न मिळाल्यामुळे लोकांमध्ये एक पहिला डोस घेतलाय, दुसरा मिळत नाही आहे आणि त्यासाठी आज इथे संपत सेवाळेजींनी इथं जे आयोजन केलेलं अतिशय उत्तम आयोजन आहे आणि आयुक्त पण चांगले आहेत, यांनी ताबडतोब या सगळ्या लसीकरणाला मोहिमेला प्रतिसाद दिलाय आणि आदेश दिलेत की जो कोणी लसीकरण केंद्र सुरू करत असेल त्याला मदत करा म्हणून। आणि आज सगळं नियोजन आज संपत शेवाळेजीने केलेलं आहे, त्याबद्दल असंच सगळ्या कार्यकर्त्यांनी स्वस्थानी पुढे यावं आणि आपापल्या विभागात लसीकरण करून घ्यावं, जेणेकरून महानगरपालिकेला हातभार लागेल आणि सरकारला पण हातभार लागेल। इस अवसर पर ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाईक ने भी यहाँ भेंट दिया और नगर सेविका दयावती संपत सेवालय द्वारा प्रभाग 63 में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन कैंप की सराहना की। पूर्व महापौर सागर नाईक के साथ पहुंचे लोक नेता गणेश नाईक ने कहा कि आज हर प्रभाग में कोरोना वैक्सीन सेंटर की जरूरत है। उन्होंने नागरिकों के लिए उनके ही इलाके में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने पर जहाँ आयोजक संपत सेवालय की सराहना की, वहीं नागरिकों का भी हौसला बढ़ाया। लसीकरण केंद्र की जरूरत हर वार्ड में है, जहाँ पे वार्ड बड़े हैं वहाँ पे दो दो लसीकरण केंद्र की जरूरत है। अभी सेक्टर 17 वार्ड क्रमांक जो 63 में आता है, इसमें सेक्टर 1 भी है 2 भी है, तो संपत राव सेवालय और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने लोगों के लिए ये हॉल में आयोजन किया है लसीकरण का। और लोगों को नज़दीक इलाके में वैक्सीनेशन हो जाता है तो लोगों को सुविधा प्राप्त होती है। इतना डिसेंबर पर्यंत भारत सर्वच नागरिकांना म्हणजे शून्य वय ते सीनियर सिटीजन ये सगळ्यांना लस उपलब्ध होईल। संपतराव सेवालयाच्या सर्व सहकार्याने या परिसरामध्ये हा उपक्रम केल्याबद्दल त्यांचं कौतुक करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी इथे मी आलेलो। वहीं प्रभाग 63 में वैक्सीन कैंप लगाने वाले बीजेपी के स्थानीय नेता संपत सेवालय ने कहा
कि आज जब अधिकांश छात्र और युवा टीका के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मनपा द्वारा 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा पा रही है, उन्हें मदद करने की दृष्टि से ही यह कैंप लगाया गया। वहीं नागरिकों ने भी शिविर के जरिए आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन सुलभ कराने पर बीजेपी नेता संपत सेवाले की सराहना की। वार्ड क्रमांक 63 सेक्टर 17 आणि सेक्टर 1-2 येथील रहिवाशांच्यासाठी आपण वैक्सीनचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, कारण सेक्टर 17 आणि सेक्टर 1-2 मध्ये प्रथमतः बरेच विद्यार्थी आउट ऑफ इंडियाला जात आहेत आणि त्यांना वैक्सीन असल्याशिवाय त्यांना आउट ऑफ इंडियामध्ये प्रवेश मिळत नाही। म्हणून मी कमिशनर साहेबांना सुद्धा गेल्या आठवड्यात पत्र दिलं होतं। आज सेवाई साहेबांनी जे वैक्सीनचं आयोजन केलेलं आहे त्यामुळे आमच्या वाढतले की सर्व खुश झाले आहेत आणि हेच नाही तर अख्खं वर्षभर त्यांची सेवा कायम चालू आहे आणि त्यांच्या पुढे अशी त्यांनी सेवा चालू ठेवावी त्या आमची अपेक्षा आहे। बहुत बढिया सर्विस है, हम लोग सुबह सुबह निकले थे आए हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटी किया है। वैक्सीनेशन मैं और मेरी मम्मी जी का है, दोनों का हम लोग लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत अच्छा लग रहा है एंड लकीली मेरा छुट्टी भी था काम से, तो सर का मैसेज आया था लास्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे, तो मैंने मतलब दो बार भी नहीं सोचा एंड आई रजिस्टर्ड एंड हो गया मेरा वैक्सीनेशन। शेवाळे साहेबांनी आज हे जे उत्स्तुत्य उपक्रम राबवलो आणि मात्रे मॅडम पण येऊन गेल्यात आणि जी फॅसिलिटी दिली, कुठलीही गर्दी नाही, काही नाही, व्यवस्थितपणे सिस्टमॅटिक 3-4 दिवस झाले त्यांनी आधी आपल्याला रजिस्ट्रेशन करायला सांगितलं, त्यानंतर त्यांनी रजिस्ट्रेशनवरून काल फोन करून सांगितलं की तुम्ही किती वाजता इथे यायचं आहे वगैरे, त्यामुळे मॅनेजमेंट जे केलं त्यांनी टायमिंग मॅनेजमेंट वगैरे किंवा सेंट्रलाइज लोकेशन इन सेक्टर 17 हे खूपच छान केलं त्यांनी। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।